गोरखपुर में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण गुरुवार से शुरू होगा। 31 बूथों पर 3,125 कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जाएगी। गौरतलब है कि जिले में 5 जनवरी को दूसरे चरण का प्रथम टीकाकरण सांकेतिक रूप से आयोजित किया गया था। केवल 150 कर्मियों को टीका लगाया गया। 11 व 12 फरवरी को टीकाकरण का सघन अभियान चलाया जाएगा। 12 घंटे पूर्व सभी के पास मैसेज भेज दिए गए हैं, उन्हें संबंधित बूथ पर समय से पहुंचना होगा। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि फ्रंटलाइन वर्करों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी। भारत बायोटेक की यह वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में जिले में आ चुकी है। हर बूथ पर वैक्सीनेटर भी तैनात किए जा चुके हैं। निगरानी के लिए नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगा दी गई है। एम्बुलेंस कर्मियों को भी सतर्क किया गया है। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि प्रथम चरण के पहले दिन 16 जनवरी को जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन लगवाई है उन्हें 15 फरवरी को दूसरी डोज दी जाएगी। उनकी सूची अलग से बनाई जा रही है। ऐसे लोगों की संख्या 310 है। इन्हें 3 बूथों पर बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में जिन स्वास्थ्य कर्मियों को टीका नहीं लग पाया है उनके लिए 15 फरवरी को मॉपअप राउंड आयोजित किया जाएगा। इस दिन सभी लगभग 7,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, कल से हमारा दूसरे चरण का वैक्सीनेशन फुल्ली चालू हो रहा है, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन होना है, जिसमें रेवेन्यू विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, नगर निगम हो गया, और जेल हो गए, हमारे जेल के स्टाफ हो गए, और पंचायती राज विभाग का है। तो सब मिला करके हमारे पास 20,000 का डेटा आ गया है। कल के फर्स्ट राउंड में हमने 33 बूथ सेलेक्ट किया हुआ है। सारे हमारे पुराने बूथ ही हैं जो हमारे अस्पताल के हैं, जिला अस्पताल के हैं, और उसमें हमें 3125 कल की डेट में 33 बूथों पर 3125 लोगों का वैक्सीनेशन करना है। और 12 तारीख के लिए हमें 4344 लोगों का वैक्सीनेट करना है। वो 33 बूथ उस कल परसों भी काम करेंगे। इस बूथों पे जिनको वैक्सीनेशन के लिए लगाया गया है उनकी बकायदा ट्रेनिंग भी कराई गई? वो हमारे पुराने ट्रेंड हम वर्कर्स हैं जो पहले से ही वैक्सीनेट की कर रहे हैं, वही इनको भी वैक्सीनेशन करेंगे। सर, इसके लिए कोई नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए? हमारे सारे ACMO जो हैं सारे हमारे नोडल अधिकारी हैं, जो पूर्व की भांत काम कर रहे थे वही इस समय भी करेंगे। सर, इस 11 और 12 तारीख के टीकाकरण के बाद मॉपअप राउंड भी 15 तारीख का मॉपअप राउंड है, जिसमें हमारे छूटे हुए स्वास्थ्य वर्कर्स जो हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो जो भी छूट गए थे पिछले सेशन में, उनका हमें वैक्सीनेशन करना है। करीब 6,500 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन करना है, और 15 तारीख को हम सबको बुलाएंगे और वैक्सीनेट करने की कोशिश करेंगे। सर, पहले चरण में जिन लोगों का टीकाकरण हुआ था 16 तारीख को, उनका भी एक दूसरा डोज लगना है? हाँ, 15 तारीख को लगना है। 310 लोगों का जो है 16 तारीख को जो हुआ था उसमें 15 तारीख को 310 लोगों का दूसरा डोज लगना है। सर, इसके लिए आप लोगों को वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त मात्रा हमारे पास कोविशील्ड है और कोवैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में आ गई है, और कल भी कुछ वैक्सीन हमको प्राप्त होगी जो लखनऊ से मंगाना है, और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन आ गई है। हम होप करते हैं कि हमारा कल का और 11 और 12 तारीख का फुल्ली हम 100% वैक्सीनेट कर लें, जिससे हमारे ये फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं करीब हम 10,000 के आसपास हम वैक्सीनेट कर लेंगे, और फिर 10,000 जो बचेंगे उनको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जो कल फ्रंट लाइन वर्करों को टीका लगाया जाएगा वो सब कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? दोनों तरह की लगाई जाएगी। कुछ सेंटर्स पर कोवैक्सीन जाएगी और कुछ सेंटर्स पर जो है कोविशील्ड जाएगी, लेकिन ये स्पेसिफाई रहेगा कि किस सेंटर पर कौन सी वैक्सीन जा रही है, ये पहले से बताया गया रहेगा और उसकी जानकारी रहेगी सबको।